उत्तराखंड के वनंतरा रिसोर्ट में हुई अंकिता भंडारी की हत्या के बाद रिसोर्ट की पूर्व रिसेप्शनिस्ट ने किया खुलासा। रिसोर्ट में कैसे होते थे गंदे काम। अंकिता हत्याकांड मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस अभी तक जेल भेज चुकी है। इस घटना में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्या की काली करतूतों का चिट्ठा भी खुल गया है। मेरठ की रहने वाली रिसोर्ट की एक्स रिसेप्शनिस्ट ने मीडिया के सामने आज रिसोर्ट के हर कारनामे का खुलासा कर दिया। पूर्व महिला रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कैसे रिसोर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। रिसोर्ट में लड़कियां आती थी और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था। रसूखदार पुलकित ग्राहकों की शराब तक चोरी कर लेता था। पुलकित रिसोर्ट की महिला कर्मचारियों पर गलत नीयत रखता था। वह शराब पीकर उनके साथ गाली गलौज भी करता था। एक्स रिसेप्शनिस्ट और उसके पति ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सुने उनकी आपबीती। जून में गई थी मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं जब मेरी वहां इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहां काम करती थी। वहां पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था और क्या बोलते हैं 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है स्वाति। स्वाति मैम तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा तो वो कह रहे हैं कि उनकी मैम उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रहे थे तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़की आते थे ज़्यादातर तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आपने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी क्योंकि पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो और रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। एक महीने पहले हमने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। तो अंकित की, पुलकित की, सौरभ भास्कर की और स्वाति की चारों की हमारे पास कॉल आती है। मेरे पास ही कॉल आती है कि क्या बोलते हैं तुम लोग वापसी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, नशा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चले जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे साथ व्यवहार सही होता है, फिर वो हमें टॉर्चर करने लग जाता है, फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है वो। मतलब लड़कियों के साथ उसका गंदा व्यवहार ही था। मतलब जो लड़कियों को लेकर के आता था उनसे क्या बात करके काम पे रखता था, क्या कहता था? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है क्योंकि जो लड़कियां आती थी पहले बात तो मुझे एंट्री के लिए मना कर देता था। और मैंने ज्वाइन किया था मई जून में। आपने कैसे ज्वाइन किया था, वहां तक कैसे पहुंची आप? हमने OLX पे जॉब ढूंढी थी और OLX के थ्रू हम वनंतरा रिसोर्ट में गए थे।